तस्वीर न्यूज स्टेशन से विजय तस्वीर। संत पंत प्रधान ने ये कहते हुए कि भाजपा तेलंगाना को बीआरएस के चंगुल से मुक्त कराएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली पार्टी के भ्रष्ट नेताओं को जेल भेजना उनकी पार्टी का संकल्प है। मोदी ने महबूबाबाद और करीमनगर में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कहा भगवा पार्टी तेलंगाना को डीआरएस के चंगुल से बाहर लाने को अपनी जिम्मेदारी मानती है। केसीआर के चंद्रशेखर राव यहां जो भी घोटाले में शामिल थे उनकी जांच की जाएगी भाजपा सरकार के द्वारा। उन्होंने चेतावनी दी कि जिन लोगों ने तेलंगाना के गरीबों और युवाओं के साथ धोखा किया है उन्हें भाजपा सरकार जेल में डालकर ही अपना संकल्प पूरा करेगी। बीआरएस के भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना उनकी पहली प्राथमिकता है। ये देखते हुए उन्हें राज्य में 3 दिनों के अभियान के दौरान कई लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला। पीएम ने कहा तेलंगाना के लोगों ने पहले ही केसीआर की सरकार को हटाने का मन बना लिया है। कांग्रेस और बीआरएस पर कड़ा प्रहार करते हुए अनुभवी भाजपा नेता ने तेलंगाना को बर्बाद करने के लिए दोनों पार्टियों को समान रूप से दोषपूर्ण ठहराया। उन्होंने कहा तेलंगाना के लोग एक बीमारी से छुटकारा पाने के बाद दूसरी बीमारी की अनुमति नहीं दे सकते। मैंने इसे तेलंगाना में हर जगह देखा है। मोदी जी ने कहा तेलंगाना का भरोसा बीजेपी पर है और राज्य के लोगों ने तय कर लिया है कि तेलंगाना का अगला सीएम बीजेपी से होगा, दलित हिंदू होगा, सबका साथ सबका विश्वास और विकास। जय श्री राम, वंदे मातरम। तेलंगाना को न बीआरएस की सरकार चाहिए न कांग्रेस की सरकार चाहिए। तेलंगाना को अपनी गारंटी पूरे करने वाली बीजेपी सरकार चाहिए। मोदी की गारंटी, सबको मुफ्त राशन देने की है। मोदी की गारंटी मुफ्त इलाज और सबको सस्ती दवाई देने की है। मोदी की गारंटी हर किसान को मदद और सिंचाई की सुविधा देने की है। मोदी की गारंटी करप्शन, परिवारवाद और तुष्टिकरण से मुक्ति की है। मोदी के लिए गरीबों का कल्याण सर्वोपरि है। एक तरफ फार्म हाउस सीएम केसीआर है और दूसरी तरफ आपका सेवक मोदी है। ये आपके केसीआर को इतने अंधविश्वासी है, किसी ने उनके कान में डाल दिया कि अगर मोदी की परछाई तुम पर पड़ेगी, अगर कहीं पर भी मोदी की परछाई भी तुम पर पड़ेगी तो तुम्हारे सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। उस दिन से ये ऐसे अंधविश्वासी व्यक्ति, उस दिन से वो मेरे से 50 फुट दूर रहते हैं। न एयरपोर्ट लेने आते हैं, न मीटिंग में आते हैं। किसी ने सुन के दिमाग में भर दिया है कि मोदी का शैडो, मोदी की परछाई अगर केसीआर पर पड़ गई तो उनके सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। ऐसे अंधविश्वासी लोग, क्या तेलंगाना जैसे आधुनिक सोच वाले नौजवानों का भला कर सकते हैं? मोदी सरकार गरीब से गरीब को पक्का घर देने में जुटी है, लेकिन यहां की करप्ट केसीआर सरकार ने गरीबों को
टू बेडरूम फ्लैट देने का वादा पूरा नहीं किया और मोदी ने गरीबों के जो लाखों घर बनाए उनको भी यहां की सरकार लाभार्थियों को मिलने नहीं दे रही है। ये जांच का विषय है। हजारों मकान बने हुए हैं, दिए नहीं जा रहे हैं। क्यों? कोई कटकी का हिसाब किताब बाकी है क्या? इसलिए रोक करके बैठे हो क्या? केसीआर सरकार ये बहुत बड़ा पाप कर रही है और ऐसी सरकार को सजा तेलंगाना का हर गरीब देने वाला है।